नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां से बैंक कर्मचारियों के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहां से निजीकरण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां जो लोग हैं वो सभी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हैं और उनसे बात करते हैं और बाकी की जो बारीकियां हैं जिसको लेकर आज वो यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मैं रूपाली खाग हूँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ। अच्छा, इस वक्त सरकार के पास हर प्राइवेटाइजेशन का एक ही जवाब होता है कि जो भी कंपनी या जो भी सेक्टर को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो घाटे में जा रही है, एनपीए हो रही है। तो ये सब कंपनियां अगर घाटे में जा रही हैं, देश की हर संस्था, सरकारी संस्था घाटे में है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सरकार खुद है ना मैडम, योजनाएं कौन चलाता है? सरकारी कंपनी है तो हमारा ओनर सरकार है, तो सरकार को योजना भी ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे फायदा हो। तो ऐसे अगर किसान योजना बना रहे हैं वो खाली पब्लिक का वोट लेने के लिए, पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए ऐसी ऐसी योजना लाते हैं कि देखो हम लोग कितना कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या षड्यंत्र वो नहीं दिखा रहे हैं। जैसे अगर और फिर उससे क्या होगा, ये कंपनी प्राइवेट करेंगे तो कंपनी से आम आदमी सफर होगा। तो मतलब सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई है, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े पोस्टरों पर उनकी होर्डिंग के साथ, वो सब फेल है? वो सब फेल नहीं है, वो किसके भरोसे कर रही है? मतलब एक के जेब से पैसा निकाल के दूसरे के जेब में डाल रही है ना, सरकार के जेब से कुछ नहीं जा रहा है ना, तो सरकार से जेब से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो अगर आप हमारी कंपनी का नफा उठा के पब्लिक को दे रहे हैं तो हमारे कंपनी में भी नफा डालिए। अगर हमारी कंपनी का पैसा जो हम लोग मेहनत कर करके हम लोग कंपनी का नफा कर रहे हैं, वो आप दूसरे पॉलिसी से जैसे हम लोग नफा निकाल रहे हैं वो पैसा निकाल के आप पब्लिक को दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम लोग सरकारी योजना चला रहे हैं, तो सरकार के खाते से तो कुछ नहीं जा रहा है और फिर कंपनी तो हमारी नफे तोटा में जा रही है, और तोटा में जाने से हमें बोल रहे हैं कि आपका निजीकरण करेंगे, तो दोनों तरफ से हमें सफर कर रहे हैं ना, हमारी पगार वार दे रहे हैं। यहाँ तो सरकार अपना वित्तीय घाटा भरने के लिए जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनको बेच के पैसे इकट्ठे कर रही है। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। नाम सुरेंद्र सिंह, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। पहले तो देखो ये जो प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में थी, अब ये सरकार ने एक नया शोषण छोड़ दिया, मोनेटाइजेशन। जो ये मोनेटाइजेशन है, जो डायरेक्ट सेल है, तो ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा एक फ्लैट है, तो उस फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर मैं किसी को दे देता हूँ मोनेटाइजेशन में, गिरवी रख दिया, जो उसका जो रेंट मिलेगा वो उसी के भलाई के लिए लगना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट है, जो ये अपना जो डेफिसिट है 600 करोड़ घाटा है, उसको पूरा करने के लिए ये कंपनी को सेल पे लगा रखा है। जैसे हम जनरल इंश्योरेंस से है, मैं न्यू इंडिया में हूँ मैडम, इससे पहले आज से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा LIC के साथ और बैंकों के साथ ही वेज विजन होता था। आप देखिए 2017 में जो रेट थे पेट्रोल डीजल और जो भी थे डेबल के, आज कहाँ पे है? पर हमारा जो सैलरी है 2017 वाला ही है। तो हम लगातार 5 साल से, अभी 2022 में हमारा नेक्स्ट रिविजन आ रहा है, इसके लिए हम DFS से, मिनिस्ट्री से, सबसे मिल रहे हैं, एक ही जवाब आ रहा है वेरी सून। तो हमें कोई शौक नहीं है कि हमें यहाँ बैठने का। आज हमारा भारतवर्ष से कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं, इसीलिए कि ये जो मोदी सरकार को जताने के लिए कि ये मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं करते हैं। तो हमारा ये इनसे अनुरोध है कि हमें नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए, हमसे वार्तालाप करें। जैसे आपने मैडम से पूछा कि ये प्रॉफिट की बात की आपने, हम मैडम लगातार इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उस प्रॉफिट में के बावजूद, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर फसल योजना, उसमें फ्रॉड है। जो प्रीमियम जितना भी हमारा ये इकट्ठा हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये अपनी योजनाएं में लगा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमने कोरोना में इतना लगातार हमने उस माहौल में काम किया है, और जिन लोगों को हमने बिजनेस बीमा किया है उनको लगातार क्लेम दिए हैं। तो वो एक हमारा एक प्लान के अंडर आता है गवर्नमेंट के, क्योंकि वी आर इन पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिटेबल के लिए नहीं होता, फिर भी हम प्रॉफिट दे रहे हैं। इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां है, सरकार उनको पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं कर रही है, कुछ टैक्स दे रही है ना मैम। जे हमें उलझा रखा है, कभी यूनाइटेड नेशनल को एक कर रहे हैं, कभी रेंटल न्यू इंडिया को एक कर रहे हैं, कभी चारों को एक कर रहे हैं, ये हम सुनते हम पक गए हैं भी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी चाहते हैं कि हम हमारी डिमांड पे डायरेक्ट आ सकें। तो हमारी जो मेन डिमांड है सिंपल है, हमारा वेज रिविजन करो, प्राइवेटाइजेशन रोको, और जीवना एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया प्राइवेटाइजेशन के लिए, हाथ उठा के, आजकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आती है, ऑर्डिनेंस की गवर्नमेंट है, तो वो जो लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए, और जो हमारा NPA पेंशन स्कीम है जो ओल्ड है उसको लागू किया जाए। तो ये अभी हम लास्ट वीक ही DFS से मिले थे,
तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ये बहुत वेरी सून जो हो जाएगा, पर कल ही न्यूज़ हमने देखी है कि पार्लियामेंट में किसी क्वेश्चन के जवाब में दिया है कि जिप्सा ने अभी हमारे वेजरी की बात भी नहीं की। तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, हम किससे बात करें, क्या करें, हम गला चला चला के यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब ना तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ना ही आपको आपके जो आप पेंशन की बात है आपकी उसकी मांग पूरी की जा रही है, और तो और अब स्टेक्स भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, आम शब्दों में अगर आप समझाएं कि इस 51% का कुछ स्टेक जो प्राइवेट हाथों में देने की सरकार तैयारी कर रही है, उससे आम लोगों को जनरल इंश्योरेंस जो लेकर अपनी लाइफ सिक्योर करने की सोचते होंगे, उनको किस तरीके से तकलीफ होने वाली है? मैम एक्चुअली में जो जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइज किया गया था सोशल कॉज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आम लोग हैं, किसान लोग हैं और जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने जो सरकारी कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन का बिल किया है, एक तो हम उसका विरोध करते हैं, दूसरा जो हमारा पिछले 2017 अगस्त से ड्यू है वेज रिविजन, दैट इज स्टिल पेंडिंग, वी वांट इट शुड बी अर्ली सेटल्ड। और जो पेंशन स्कीम है हम उसका अपग्रेडेशन की बात करते हैं, और जो हमारे नए नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको एनपीएस दिया जा रहा है, एनपीएस में सिक्योरिटी का कोई प्रूडेंट कोई हमें मतलब उसका भरोसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो 1995 की हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि सबको ये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। धन्यवाद। ये आपकी अपनी मांगे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे, इस प्राइवेटाइजेशन से जो आपके जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इससे जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से तकलीफ होने वाली है? मैम जो देखिए, जो अभी क्या है, जो सरकारी कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस वहां तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं जहां तक ये एक्सेसिबल नहीं है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो एक्सेसिबल ऑफ इंश्योरेंस है फॉर दोज क्लास ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू बाई इट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, तो ये उनका नुकसान होगा। इससे जो रूरल सेक्टर है, सबर्बन एरियाज हैं, रिमोट सेंटर्स हैं, वहाँ पर अभी हम इंश्योरेंस को पहुँचा रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उन लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुँच पाएगी, उनको हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से उन लोगों का भी नुकसान है। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ आप लोगों की मांगे हैं कि आपके पेंशन की जो आपकी मांग है उस पर सरकार सुनवाई करे, इसके साथ ही आपकी सैलरी इंक्रीज की जाए। हाँ बिल्कुल, ये वेतनमान समझौता है जो 2017 से लागू होना था, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। रीज़न क्या है कि सरकार अपने दूसरे एजेंडों में मस्त है। आप देखिए, आज इस जंतर मंतर पर किसान धरने पर है, बेरोजगार धरने पर है, और जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं वो धरने पर है, सारे सरकारी कर्मचारी धरने पर है, हर आदमी पस्त है, लेकिन ये मोदी सरकार मस्त है। ये इतना आराम कर रही है जैसे अपना एक नया एजेंडा है कि किस तरह से हम जो प्रॉफिट में है, जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में है उनको बेच करके, उनका निजीकरण करके हमारी हिस्सेदारी को अपनी हिस्सेदारी में तबादला करने की। आप सोशल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तब आपको सभी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां याद आ जाती हैं। आप देखिए, पूरे कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बीमा कंपनी ने अपने दफ्तर तक नहीं खोले, और सरकारी कंपनियों के सारे कर्मचारी, जितने भी लोग बीमार थे, हॉस्पिटल थे, उनमें मेडिक्लेम पॉलिसियों के तहत आगे होकर बीमा बांटे। और जो पेंशन योजना है जो कि 17 से लागू होनी थी, अभी तक सरकार ने कोई नहीं दिया है। आपका नाम? डॉक्टर देवेंद्र कुमार, मैं जयपुर से आया हूँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हूँ। देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार मस्त है, रात के 1:30 बजे काशी में मोदी जी रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हैं, जब सब सो रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री जाग रहे होते हैं। देखिए, ये जो करते हैं वो उनके लिए है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपोगंडा के ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने एक तरफ तो रेलवे में इतने हजारों कर्मचारी लगा रखे हैं, उसकी पूरी रैंक तक सारे मिनिस्टर तक हैं, वो भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उनकी तरफ ये लगता है कि मुझे एक जो आखिरी छोर तक आदमी बैठा है इस देश की, आज जिस तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है उस तक सुविधा पहुंचाने की बजाय अगर ये सब वोट लेने के प्रोपोगंडा कर रहे हैं लोगों की, एक ये अपनी तस्वीर छवि चमकाने का एक प्रयास है। असली प्रयास तो तब होता है जब आम जनता को, एक गरीब जनता को, और जो कि इस जनता से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं जो सरकारी सेक्टर के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए
ना कि इस तरह के जो वोट के लिए प्रोपोगंडा करना चाहिए। आप अपने चारों तरफ देखिए आज कितने लोग धरने पर प्रदर्शन पे, हर आदमी परेशान है। परेशानी के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो परेशान लोग हैं, ये जो लोगों की तरफ ध्यान दें और जो इस तरह की जो वोट चमकाने की नीति है इसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। सर आपका नाम? जितेंद्र बालगुहर। सर आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया था? बीजेपी सरकार जब सत्ता में आ रही थी, बड़े बड़े वादे हो रहे थे, आपको भी कोई वादा दिया गया था? नहीं, जहाँ तक वादे की बात है, ये हमारा वेज डिविजन पिछले 5 साल पहले, मतलब अब 5 साल लगभग हो गए हैं, जब सरकार आई थी जब इस तरह की कोई बात नहीं, बींग ए गवर्नमेंट सर्वेंट हम कोई बात भी नहीं कर सकते मैनेजमेंट से, लेकिन जो हमारी जायज़ मांग है उसके लिए तो हम कह ही सकते हैं। जब समय हुआ इतना कि लगभग 3 साल बाद हमारा हर 5 साल बाद वेरिजन होता है, वेतनमान लागू होता है, जब नहीं हो पाया तो जब हमने बात करनी शुरू की और लगभग हम मान के चलिए 1 साल से संघर्ष रहते हैं 2020 से कोरोना के बाद। 5 साल बाद आपका जो वेज है वो बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, हर 5 साल बाद होता है वो बकायदा। कब से नहीं बढ़ा ये? 2017 से, 1 अगस्त 2017 से नहीं बढ़ा है, तो उसके लिए हमेशा इसके बकायदा मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का जो है एक पैक्ट हुआ है जिसके तहत ये 5 साल बाद बढ़ाना होता है। पिछले जो अनुभव रहे हैं 17 वाला भी हमें लगभग 36 महीनों के अंदर 3 साल में मिल गया था, ये है जिसके अंदर 5 साल हो गए। अब से अगर पहले की सरकारों के बारे में देखें, सरकारें अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो भी नीतियाँ थी उनको लागू मतलब किया। यूपीए की सरकार में आपका वेज बढ़ रहा जो भी थी, अब जो पहले की सरकारें थी, ये सरकार लगभग क्योंकि 14 में सरकार आई है तब तक हमारी कोई डिमांड नहीं थी, अब दूसरा इनका जो इनका टर्म आया है उसके बाद जब हमारा ड्यू हुआ तो हमें देखा कि हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं और लगातार हम पिछले 1 साल से संघर्ष रहते हैं, इनसे बात कर रहे हैं, बातचीत करके कितनी कई बार हम मैडम सीता रमण जी से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आज की डेट में भी यही है कि आपका प्रोसेस जो है इनफोर्स है वो कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता। सरकार ये कह रही है ना कि आप सरकार को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, कंपनीज आपकी घाटे में जा रही हैं, तो सरकार फिर ऐसे में आपकी खामखा फिर आपकी बस सैलरी बढ़ाती रहे? ऐसा नहीं है, घाटे का कुछ नहीं है, हमारा सबसे ज़्यादा प्रोफिटेबिलिटी हमारी कंपनियों के अंदर है, जो ये नुकसान जो हुआ है वो गवर्नमेंट की नीतियों के खराब नीतियों के कारण हुआ है। जैसा अभी पिछले वक्ताओं ने मैं स्टेज से बताया कि आप 12 रुपये के अंदर अगर पॉलिसी 1 लाख रुपये की मांगेंगे और लोग मरते भी हैं वो दिया, प्राइम मिनिस्टर जो फसल बीमा योजना है 1 रुपये जो आपको दे रहे एक महीने वाला जाता, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जाके वादे कर जाते हैं उसके ऊपर जो उसका भार कंपनियों पर डालते हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। इन लोगों ने अगर 200 करोड़ दिया है तो हमसे 4000 करोड़ वापस ले लिया और बकायदा उन क्षेत्रों में पैसा बांटा गया जहाँ इनको अपना मैंडेट पक्का करना था, चुनावी चुनावी वादे जहाँ इन्होंने किए हुए थे कि हम किसानों को दिलवाएंगे, किसानों की फसलें क्या हुआ कि हुई नहीं हुई, लेकिन हमसे फोर्सफुली जो है उनकी पेमेंटें करवाई गई, तो उस वजह से हमारा नुकसान है। इससे पहले जितने भी समय रहे हैं हमने लगातार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, DFS को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डिविडेंड दिया है और डिविडेंड के माध्यम से जो हमारा प्रॉफिट लगभग हर साल दिया गया है, लेकिन और ये दूसरी बात ये जो वेज ने पिछले 5 साल पहले का है, तो जब 5 साल पहले हम प्रॉफिट दे रहे थे तो आज ये पोजीशन कहाँ से आ गई? मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भार आप लोगों पर डाला जा रहा है, आप उसकी वजह से चूंकि महामारी हुई है, कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड क्लेम्स वगैरह आए हैं दुनिया के अंदर, जो भी कोई बड़ी बड़ी घटना हुई है तो उनकी वजह से हमारा क्लेम रेशियो बढ़ा, उसकी वजह से हम नुकसान में हैं और उसमें भी बहुत बड़ा हाल। ये तो जो एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, जो इस तरह की बीमारी आती हैं वो तो पेबल है, उसका रिजर्व हम रखते ही हैं इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन जो गवर्नमेंट ने थोपा गया हम पे, प्राइम मिनिस्टर की जो योजना बनाई गई, चाहे वो बीमा योजना था या जनधन योजना थी, जो हमारी दूसरी योजना है जो कर्मचारियों उनको देने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी लोगों को देने के लिए, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो नुकसान है, हमारा कोई आज की डेट में भी कोई नुकसान नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया।